कौन सा सपना है जो अभी पूरा नहीं हुआ है? I'd like to play the role of Krishna, which I'm preparing. And I'd like to do both the roles, Krishna and Arjuna, in I'm doing a play called Karmanishtha. That's my dream role. ढेर सारे अलग अलग गीता के जो वर्जन है वो पढ़ रहा हूँ, श्री अरबिंदो के, एकनाथ ईश्वरन, राधा कृष्ण, गांधी जी. एक मैं आपसे प्रेजेंट सिचुएशन पर एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि स्पेशली एज एन आर्टिस्ट, जब आप देखते हैं कि इतना सारा आजकल जितनी बातचीत हो रही है वो बहुत हिंदू मुस्लिम के अराउंड हो गई है, या बहुत डिविजिवनेस, ऐसा लग रहा है कि बहुत बटते जा रहे हैं लोग, गुस्सा आता है क्या? गुस्सा नहीं आता है, इट मेक्स मी फील सैड. अगर मैं गीता पढ़ रहा हूँ अभी, अगर गीता कोई भी आदमी सचमुच पढ़े तो ऐसे बात ही नहीं कर सकता है. अगर मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ, कहलाता हूँ, या मुसलमान कहलाता हूँ, तो जो फंडामेंटल रीज़न है आपको हिंदू, मुझे हिंदू या मुसलमान कहलाने के लिए, फर्स्ट प्लीज़ प्रैक्टिस द फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ द फिलॉसफी ऑफ वैदिक अंडरस्टैंडिंग और हिंदुइज्म. दैट इज़ यू कांट हैव हेट्रेड टुवर्ड्स एनीबॉडी. अगर वो है तो आप हिंदू ही नहीं है. अगर आप मुसलमान होते हो तो अगर आप मोहम्मद साहब के फंडामेंटल फिलॉसफी नहीं फॉलो करोगे तो आप मुसलमान कैसे बन सकते हो अपने आप को? तो अगर आप किसी को हेट करते हो, हिंदू को हेट करते हो, आप मुसलमान ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते? आई डोंट कंसिडर देम हिंदू और मुस्लिम, दोज हू हेट अनदर. अगर धर्म ह्यूमनिज्म को पार कर जाता है तो वो धर्म में प्रॉब्लम नहीं है, वो आप में प्रॉब्लम है. आप धर्म को अपने दर्जा तक लेके आते हो, आप अपने आप को उठाओ धर्म के दर्जा तक. तो इसीलिए अगर कोई कहता है तो मैं मानता ही नहीं वो लोग हिंदू हैं या मुसलमान हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है. थैंक यू सो मच आदिल, इट वाज सच अ प्लेजर. मतलब मुझे लग रहा है बातें भी मेरी खत्म हुई नहीं है, सवाल बहुत सारे हैं. एक छोटा सा तोहफा आपके लिए हमारी तरफ से. आजकल मुझे ये बहुत मिल, अभी कल ही मुझे किसी ने दिया है, एंड आई एम सो हैप्पी टू रिसीव. मैं मुझे भी so मुझे ग्रीन अच्छा लगता है. एंड मे योर लाइफ कीप फ्लरिशिंग लाइक दिस प्लांट. थैंक यू सो मच. इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा फिर वजह क्या हुई इंतजार की.